जिसमें आज है सोहम का बर्थडे। सोहम तो आज है सोहम का चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज है सोहम का बर्थडे। मतलब आपने देखा होगा मेरा जो छोटा बेटा है उसका है आज बर्थडे। तो बर्थडे सेलिब्रेशन क्या होगा अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है, पर जो भी होगा छोटा मोटा भी करेंगे या बड़ा भी करेंगे तो वो सब आपके साथ शेयर है। वैसे बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि छोटा ही सोचा है कि जो कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनको बुला देंगे और छोटा सा सेलिब्रेशन कर देंगे, बच्चों का हो जाता है पार्टी, सब मजा आ जाएगा सोहम को कि लग जाएगा कि हाँ बर्थडे है। और अभी सोहम का जो फेवरेट है अभी मैं हलवा बनाने वाली हूँ उसके लिए, और अभी जाएंगे हम मंदिर, और मंदिर जाने के बाद वापस आके फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलते हैं पहले मंदिर। अभी हम पूजा कर रहे हैं, पापा को प्रणाम करो, जय जय करो भगवान को, प्रणाम करो मम्मा पापा को, प्रणाम करो मम्मा के जॉब। हां ले पापा खाते चल मंदिर जाते हैं। सो गाइस अभी सोहम है ना, चल हम उस तरफ डालते हैं, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूं, उस तरफ डाल दो अच्छे से डाल कर। चलो यहाँ पे हमारे पास में ही मंदिर है और यहाँ पे जिम है। सो यहाँ पे ये पूरा मंदिर है, आपको सामने दिख रहा है मंदिर, ये मंदिर है। मैं आपको उस तरफ से दिखाती हूँ, यहाँ से भी गेट आया और उस तरफ से भी गेट है, ये पार्क है। और इस पार्क का नाम आ चुकथम पार है, वहाँ पे पीछे स्विंग्स हैं और यहाँ पे एक सोहम कान्हा जी को बस आ जाओ। सो यहाँ पे सिटिंग के लिए भी फैसिलिटीज हैं और अब हम यहाँ पे चलते हैं सोहम को झूला झूला। सो सोहम मैं और सोम यही बातें कर रहे हैं कि क्लास है या सो यहाँ पर मैं अभी बैठ रही हूँ और आइए झूला झूलते हैं आप लोग भी मेरे साथ। आपको मैं शेक शेक लगा। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when you love. अभी आगे मैं किचन में और मैं अभी उसके लिए हलवा बना देती हूँ, तो उसको हलवा
फेवरेट है और जिसमें ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लेन हलवा पसंद है उसे, तो वो बनाऊंगी उसके लिए। और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और क्या करेंगे, यस, और अभी जो भी डेकोरेशन करेंगे शाम को करेंगे, बट इसकी ऑनलाइन क्लास है 3 से 4, तो 3 से 4 इसकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करवाऊंगी। उसके बाद में हम सब मिल के थोड़ा जो भी डेकोरेशन होगा वो करेंगे। तो जो भी डेकोरेशन करेंगे वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी बर्थडे पार्टी होगी चाहे छोटी जैसी भी, आप सबके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ घी। तो मैं कम घी में ही हलवा बनाऊंगी। एक्चुअली मैं घी और तेल सब कम यूज करती हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। सो गाइस, यहाँ पे मम्मा हलवा बना रही है, इसमें देखिए कढ़ाई में घी डाला है और उसमें मैं अब आटे को थोड़ा सा सेक लूंगी, अच्छा सा, अच्छा सुनहरा हो तब तक। और मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर दिया है। तो सिंपल सा हलवा जो आप सबको भी रेसिपी पता होगी, मैं इसमें थोड़ा सी सूजी और थोड़ा सा बेसन मिक्स करूंगी, उससे क्या होगा कि हलवे का टेस्ट और ज्यादा अच्छा। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मम्मा यहीं पे बना रही है। ना अच्छे से सिक चुका है और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सूजी। सोहम का भी खाना भी मैंने फेवरेट बनाया, उसकी भिंडी की सब्जी फेवरेट है, तो वही बनाइए और बस हलवा बन जाएगा। तो उसको हलवा तो हलवा भी उसका फेवरेट है, उसको बहुत पसंद, दाल का हलवा भी उसको बहुत पसंद है। एक्चुअली उसको मीठा बहुत पसंद है। और हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी इलायची या कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं होने चाहिए, तभी वो खाएगा। तो ये अच्छे से सीखे पानी डालेंगे। गाइज आपको पता है वहाँ पे सोहम चुपके चुपके गुलाब जामुन खा रहा है। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे थे? गुलाब जामुन खा रहे थे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इसको मीठा पसंद है, तो आपने ऑलरेडी गुलाब जामुन खा चुके हो आप। बहुत बच्चा है। अच्छा, भगवान को चढ़ाया हुआ गुलाब जामुन, भगवान के चढ़ाया हुआ गुलाब जामुन ही। ओके गाइस, अब मैं आपको मिलूंगी टी टाइम पे, मतलब इवनिंग के टाइम पे, जब बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। अगर डेकोरेशन दिखा पाए तो मैं फटाफट दिखा दूंगी जब मैं कर रही हूँ डेकोरेशन। एक्चुअली क्या है, सारा काम जो होता है ना फटाफट होता है, तो अगर मैं उस समय ऑन कर दिया मैंने कैमरा और शूट कर दिया, तो मैं आपको दिखा दूंगी ना जब बर्थडे, जब केक कटिंग करेंगे तभी आप डेकोरेशन देख पाएंगे। तो वो देखती हूँ इवनिंग के टाइम में क्या होता है सब कुछ। तो ठीक है, देखती हूँ। तो हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 5, तो मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ और केक भी आ चुका है, तो मैं आपको बताती हूँ। बर्थडे बॉय और स्वीटू दोनों रेडी हो चुके हैं, अब मैं आपको बताती हूँ बर्थडे केक। तो ये है बर्थडे केक और साथ में है मिठाई, मिठाई में है गुलाब जामुन। अब मुझे सिर्फ पास्ता रेडी करना है, तो मैं फटाफट वेजिटेबल चॉप करके रख दूँगी और गर्मा गर्म सर्व करना है इसलिए उसी टाइम चौंक दूँगी, तो फटाफट रेडी हो जाएंगे। तो स्वीटू और सोम के फ्रेंड भी आ चुके हैं और तो इसका मतलब पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो लेट्स गो स्टार्ट।
कटिंग हो गया है तो मैं फटाफट बच्चों के प्लेट्स लगा देती हूँ। और झलक और चीनू मेरी हेल्प के लिए आ गए थे तो पास्ता मैंने बना दिया था, झलक इसे ला रही है। और पास्ता रेसिपी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जरूर देखना, ट्राई जरूर करना। यहाँ पास्ता रेडी हो गया है और यहाँ लगा रही हूँ मैं प्लेट्स। चलिए फटाफट रेडी करते प्लेट्स।